वेलकम टू न्यूज़ बॉबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, योगी जी ने ऐलान किया था कि 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल जो आपको निशुल्क मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको 1,000 रुपये जो पंजीकरण श्रमिक है यानी कि जो मज़दूर है उनको 1,000 रुपये आपको मिलना है। उसके बाद 1.65 करोड़ परिवार को 1 महीने का अनाज, और साथ में मोदी जी का भी ऐलान था कि आपको जो गैस सिलेंडर है वो 3 महीने तक मुफ्त मिलने वाला है, यानी मुफ्त रसोई गैस आपको मिलने वाला है। उसके साथ में 20 लाख तक का लोन भी आपको मिलने वाला है, और जितने कोरोना योद्धा है उनको 50 लाख रुपए का बीमा भी होने वाला है। दोस्तों, ये योजना जो है यानी कि घोषणाएँ कब से लागू होने वाली है और इसमें आपको कैसे लाभ मिलने वाला है, वही इस वीडियो में आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोरोना योद्धाओं का 50 लाख का बीमा। दोस्तों, कोरोना योद्धा कौन है? दोस्तों, कोरोना योद्धा वो है जो कोरोना के संक्रमण में लड़ रहे डॉक्टरों, पैरा मेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा कवर मिलने वाला है। आशा वर्कर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी इस योजना के अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं। 20 लाख मेडिकल कर्मचारी को ये लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, जो कोरोना योद्धा है इनको कोरोना योद्धा बोला गया है, यानी कि डॉक्टर, पैरा मेडिकल, चिकित्सा में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को जो है यहाँ पे इस बीमे का लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं मजदूर की। दोस्तों, मजदूर कैंडिडेट जो है 22% उनकी जो है मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। मनरेगा दिहाड़ी में 22% की वृद्धि कर अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। 5 करोड़ परिवारों को जो है यहाँ पर उनका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, साथ में महिलाओं की यहाँ पे बात करते हैं तो वे महिला कौन है? दोस्तों, मोदी जी ने बोला है कि जन कन यानी जन धन खाते में 500 रुपये महीना आपका जो है यहाँ पे मिलने वाला है। जनधन योजना वाली करीब 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 महीने तक हर माह 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दोस्तों, नीचे बात करते हैं 31,000 करोड़ का फंड निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को कल्याण कोष में जमा 31,000 करोड़ का इस्तेमाल। 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के लिए होगा। दोस्तों, यानी कि जितने भी मजदूर थे, पंजीकृत मजदूर थे, उनको यहां पे 3.5 करोड़ जो पंजीकृत मजदूर हैं उनको यहां पे 31,000 करोड़ का फंड उनको मिलने वाला है। यानी कि हर मजदूर के खाते में यहाँ पर 1,000 रुपये जो पंजीकृत मजदूर है उनको भेजे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मुफ्त रसोई गैस के बारे में। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मुफ्त रसोई गैस है यानी कि प्रधानमंत्री का जिनके पास सिलेंडर है, साथ में जिनका जो है अभी सूची के अंतर्गत सिलेंडर आया था, उज्ज्वला योजना में 3 महीने तक 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। 8.3 करोड़ BPL परिवारों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, 20 लाख तक का लोन भी आप ले सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना में 20 लाख का लोन बिना ब्याज के मिलने वाला है। गरीब तबके की बात करते हैं, यहाँ पे 5 किलो अतिरिक्त अनाज आप लोगों को भी मिलने वाला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 3 महीने तक अतिरिक्त 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत आपको लोगों को मिलने वाला। ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश और पूरे केंद्र सरकार में लागू होने वाली है। बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को क्या मिलने वाला है? दोस्तों, 3 माह तक अतिरिक्त जो है आपको यहाँ पर 1,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजनों, विधवा को अतिरिक्त 1,000 रुपये 3 महीने में 2 किस्तों में मिलेंगे। 3 करोड़ लोगों को इसमें लाभ मिलने वाला है।
जो किसान हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसान वालों को क्या फ़ायदा होने वाला। अप्रैल में 2000 की किस्त, जी हाँ दोस्तों, 8.69 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ता में 2000 रुपये डाले जाएंगे ताकि तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में 2000 की किस्त आपकी जो है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो फॉर्म भरे गए थे उनकी जिनकी किस्त एक बाकी रह चुकी है उनको तो 4000 रुपये मिलने वाले हैं। साथ में जिनको 6000 रुपये यहाँ पे मिल चुके हैं उनको भी 2000 रुपये यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो आपके खाते में डालने वाली है। इसमें जो नियोक्ता है वह कर्मचारी को क्या लाभ मिलने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। पीएफ सरकार देगी 24% हिस्सा, पीएफ में नॉन रिफंडेबल अकाउंट एडवांस, 75% जमा रकम या 3 माह का वेतन जो है निकाल सकते हैं। ऐसे संस्थान जहाँ 100 से कम कर्मचारी है या 90% कर्मचारी की सैलरी 15000 रुपये से कम है उनके ईपीएफ का 24% अंशदान 3 माह तक सरकार देने वाली है। इसके दायरे में 80 लाख कर्मचारी और 4 लाख प्रतिष्ठान आने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो योजना है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये सभी राज्यों में लागू होने वाली है। इसका लाभ जो है आपको 1 अप्रैल 2020 से मिलने वाला है। सभी को ये लाभ मिलने वाला है जो जो मैंने योजना बताई है जिसके अंतर्गत भी आप आते हो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला है। ये योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार की योजना के तहत आपको सभी लाभ मिलने वाले हैं, साथ में उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ अलग से मिलने वाला है। तो आई होप अगर आप जो भी योजना में पात्र है उस योजना का लाभ उठाइए। यहाँ पे जो आपका जिस योजना के अंतर्गत है उसकी डिटेल जो है आपको 1 अप्रैल से पहले या 1 अप्रैल के जस्ट लगते ही आपको सूचना हम दे देंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है या कैसे आपको फॉर्म कलेक्ट करना है या किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया होने वाली है, किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम में सूचित कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।